अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल इंडक्शन इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। और याद रखें, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगर आप 30 ईयर की हिस्ट्री में देखें तो ये क्वेश्चन हर 4 ईयर के अंदर वन टाइम रिपीट हो जाता है। इस लिहाज से इसकी आने के इम्कान सबसे ज्यादा होते हैं। अगर गुज़श्ता 3 सालों के अंदर ये क्वेश्चन ना एग्जाम में नहीं आता तो इस सूरत में आप समझ जाएं कि ये इस साल एग्जाम में आने के या रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा। और वैसे भी ये आपके क्वेश्चंस के अंदर नहीं बल्कि ये एक एग्जाम्पल नंबर 3 दी गई है। और एग्जाम्पल नंबर 3 अक्सर आपके पेपर के अंदर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं और ये इंतहाई अहम एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और नंबर 3 है इसका। और जैसे कि हमने आपके सामने पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं, इसका सलूशन निकाल चुके हुए हैं, और ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर दें और इसीलिए थोड़ा टाइम भी हमारा सेव हो जाए। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ऑलरेडी ये क्वेश्चंस को देखना हो तो यकीनी तौर पे वो जहाँ पॉसिबल हो स्क्रीनशॉट लेके पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं और बेहतर है समझा जाए वो इसका पूरा लेक्चर देखें, और ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन ना सिर्फ करने की हद तक बल्कि पूरी तरह से इसके स्टेप्स के बारे में भी पता हो जाए। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 प्रिंसिपल थे और उन्हीं प्रिंसिपल के लिहाज से हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि दिया हुआ क्वेश्चन हमारा करेक्ट है कि फॉल्स है। और वैसे भी एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि ये 8.1 है और 8.2 के अंदर हमारे पास 3 अदद फॉर्मूले आपके सामने आते हैं। और देखा जाए तो 8.2 के लिहाज से ये एक फार्मूला भी है, और इस फार्मूले को भी अगर कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए कि ड्राइव दिस फार्मूला, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही इसको प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमें, जैसे कि पता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली n को 1 रखना होता है, तो हम n की जगह 1 रखेंगे इन अबव प्रोपोजिशन, यानी कि ये 2 हिस्से हमें यहाँ पे लेके आने हैं, और जैसे कि हमने दिखाया हुआ है आपको, और ये दोनों लेफ्ट और राइट को एक जैसा आना चाहिए और n को 1 रखने के बाद। तो हमने बेसिकली, जैसे कि हर क्वेश्चन के अंदर n को 1 रखना है, और जैसे ही हमने n को 1 रखा तो यहाँ पे भी 1 आ गया, और जहाँ जहाँ n है उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे 1 आ रहा है, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 आ रहा है। और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ तो ऑलरेडी 1 आ चुका हुआ है, और 3 2 6, 6 1 6, और 6 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1, दोनों साइड आपके इक्वल है। और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था तो टीचर हमें एक पहचान बताते थे, वो पहचान ये बताते थे कि दोनों जब एक जैसे आते हैं साइड तो वो आपकी पैरिटम के मुताबिक आएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो उस टाइम तो ये बात समझ में नहीं आया करती थी कि अगर ये पहचान है तो किस लिहाज से ये बात कही जा रही है। लेकिन हमें
काफ़ी आसानी हो जाती थी कि अगर ये दोनों एक जैसे आए और इससे मिलें तो हमें ये थोड़ा सा सब ने बताया है कि ये चीज़ जो है ना वो चेक हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज चूँकि अब हम खुद टीचर बन चुके हैं और ये बात समझ चुके हैं कि जैसे कि हमने अपने फर्स्ट और क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम यहाँ पे वन रखते हैं तो वन ट्रम आती है, टू रखेंगे तो सेकंड ट्रम आएगी, थ्री रखेंगे एन की जगह तो थर्ड ट्रम आएगी, जबकि ये हमारे पास एस एन होता है सम ऑफ एन ट्रम। हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के एपी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो यहाँ पे एस एन की जगह जब हम वन रखते हैं तो ये फर्स्ट ट्रम आ जाती है, टू रखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ट्रम का सम आ जाता है और थ्री रखने पे थ्री टर्म्स का सम आ जाता है। तो लिहाजा ये बात इस लिहाज से दोनों साइड इक्वल के साथ पहली टर्म मैच इसलिए होती है कि अगर हम इसे फर्स्ट टर्म इससे फाइंड करें तो अंडरस्टूड वो हमारे पास यही आएगी और फर्स्ट टर्म का सम भी हमारे पास वन का स्क्वायर ही आएगा। हमें जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों बातों को प्रूफ कर चुके हुए और जैसे कि हमने कहा था कि प्रूफ करने के बाद हमें लिखना होगा सो द गिवन प्रीपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, क्योंकि जब ये प्रूफ हो जाएगा तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा और अगर ये प्रूफ नहीं होता तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो जाएगा और आगे कंटिन्यू नहीं होगा। अब जैसे कि ये ट्रू है तो अब हमें सेकेंड स्टेप के अंदर पुट करना है एन की जगह के, और के क्यों रखा जाता है हमने पहले भी बताया था कि एन जो है वो अपना नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें वैल्यू बनाने के लिए एन को के में बदलना पड़ता है और के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो सिलसिला आगे बढ़ता है तो पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये आपका के जहाँ जहाँ एन होता है वो के की सूरत में या के की शक्ल में वो चेंज हो जाता है। तो चेंज करने के बाद अब यहाँ से बात यानी अगर आप बोर्ड के अंदर यहाँ से यहाँ तक करें तो फाइव में से टू मार्क्स तो आप ले लेंगे। तो मेन आपका जो स्टेप होगा स्टेप नंबर थर्ड होगा और थर्ड स्टेप के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने एक रफ वर्क किया हुआ है और आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। रफ वर्क करने के लिए हमारे पास चूंकि इसका कॉन्सेप्ट बार बार मुझे कहना पड़ता है एपी से है सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो ये हमें टीएन दी जाती है, टीएन मीन्स एंट्रम के लिहाज से और ये एसएन के लिहाज से दिया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एसएन इज इक्वल टू इसको ले लिया और यहाँ पे टी एन यानी कि एन स्क्वायर है। फिलहाल जो ऐड करना होता है वो हमारी ये वाली साइड होती है, जो हम ऐड करते हैं वो बेसिकली हमें यहाँ से पता लगता है। तो एन स्क्वायर की जगह हम एन इज इक्वल टू के प्लस वन पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास के प्लस वन का स्क्वायर आ गया और ये वैल्यू हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि थर्ड स्टेप में हमने इसे कलर चेंज करके आपको बताया कि रेड का ताल्लुक रेड से है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो याद रखें ये रेड कलर में जो एडिंग वाला आया था हमने एडिंग रेड कलर में इसीलिए किया है कि बाद बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो उन्हें समझ आए कि ये वाला है। हमने यहाँ पे आके ऊपर वाले स्टेटमेंट में दोनों साइड हमें ऐड करना, तो इक्वल्स टू से पहले के स्क्वायर के आगे हमें इसे ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल सेम है और प्लस किया ये वाला हमने लेफ्ट और राइट में, क्योंकि आगे हमारे पास कॉपी में जगह नहीं रहती तो इस वजह से हमने आगे के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा इसके लेवल से आगे होके इक्वल टू डाल के जो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है वो हमें लिखना है और लिखने के बाद हमें जो लेफ्ट पे ऐड किया जो वहाँ से निकला और राइट में भी ऐड करना और ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे लिख लेना है। मज़ीद आपको रेड कलर से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि ये रेड का ताल्लुक यहाँ से है
और एग्जाम के अंदर भी जरूरी नहीं है आप रेड कलर से लिखें, आप नॉर्मल पेन से आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा पहले की निस्बत जरा लेंथी क्वेश्चंस हैं, और अब आपको ये बात समझ आएगी और आपको इसका फायदा भी समझ आएगा कि इससे हमें क्या शक्ल बनानी है कि सेकंड प्रिंसिपल इसे ओके कर दे। तो उसके लिए जो यहाँ पे एस एन दिया है, जहां जहां एन दिया है, इसकी जगह भी हमें के प्लस वन रख के इसे सिंप्लीफाई करना है। बहुत बड़ा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको ये स्टेप आप देखें और देखने के बाद देखें कि ये किस तरह से आया है। तो आपको कैमरा मैन क्लोज करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देखें इसको कि हमने जहां जहां एन था उसकी जगह के प्लस वन रखने के बाद बड़े ब्रैकेट में, कभी भी छोटा ब्रैकेट नहीं रहता। ये मैथ्स का बहुत बेसिक रूल है कि हमें आपस में इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट है उन्हें हमें फाइनल खत्म करना होता है साइनों से मल्टीप्लाई करके, नंबरों से मल्टीप्लाई करके, और फिर इन तीनों ब्रैकेट को हरगिज आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फॉर्म में ही रखना पड़ता है इस साइड भी और उस साइड भी। तो ये अब हमारे पास वो शक्ल आ गई है जो हमारा एक टास्क होगा कि हमें ये हर सूरत में लाना है, और जैसे ही हम लाएंगे तो हम इसका जो ये वाला स्टेप होगा इस फॉर्म में, इसको लिखने के बाद एक फोर्थ स्टेप की थ्योरी होती है जो कि हमें एक ही जैसी लिखनी होती है, वो हम लिखेंगे। लेकिन इस टाइम यहाँ पे हमारा मैथ ये कहता है कि अगर ये अपॉन में आ रहा है और यहाँ भी अपॉन में वन है, तो मैथ्स में एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है। तो हम जब एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो आपको पता है कि ये वाला तो सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, लेकिन इसके अपॉन में जब नहीं लिखा होता तो वन होता है, तो वन सिक्स जा सिक्स, और सिक्स को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। और सिक्स आने के बाद बेसिकली अब हमें करना क्या है कि इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन लेना है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक लेवल में फैक्टराइजेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो जगह जगह हर चैप्टर में इंटर लेवल में फैक्टराइजेशन अचानक आ जाती है। अब यहाँ पे इसका कॉमन लेना बेसिकली फैक्टराइजेशन ही कहलाती है। तो अब आप ये देखें कि के प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे इसकी पावर वन है, तो हमें कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो है, और दूसरी बात ये कि जो अपॉन में सिक्स लिखा है उसे वन अपॉन सिक्स हम साइड पे ले सकते हैं, वो हमारा पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीपल होता है जिसे हम वन अपॉन सिक्स लिख सकते हैं। अब के प्लस वन यहाँ वन पावर के साथ है, यहाँ स्क्वायर के साथ है, तो छोटी पावर हमने कॉमन लेनी है, तो के प्लस वन हमने कॉमन लिया है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पहली टर्म में क्या कुछ बाकी है, के बाकी है, 2k+1 बाकी है, और प्लस का सिक्स, और यहाँ स्क्वायर था तो एक पावर कम कर दी हमने, k+1 है। अब चूंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो फौरी तौर पे यहाँ पे ऐसा करना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा, और कॉमन लाने के बाद जैसे ये वाला और ये वाला हमारे इस स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। और एक बात याद रखें कि यहाँ पे हमने वन अपॉन सिक्स को मेंशन नहीं किया था जो कि आखिर तक चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम थी, और कुछ ऐसा भी है कि ये अपॉन अमूमन टीचर और स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। तो अच्छा हुआ ये गलती आई और मुझे ये बताने का मौका मिला कि अक्सर अपॉन को हम लिखते हुए नज़रअंदाज कर जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये कोई मतलब एक्टिंग नहीं थी, बल्कि रियल तौर पे मैं ये नंबर भूल गया था, और लिखते हुए भी मुझे पता है कि इतनी कम जगह पे वो नहीं आता, लेकिन हमने वन अपॉइंट सिक्स लिखा है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा है कि ये गलती हमारी लेक्चर के दौरान ही सामने आ गई। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है वो जो जो चीज़ें हम ले आए हैं वो वन अपॉइंट सिक्स है और के प्लस वन है, तो ये दो ब्रैकेट हमारे पास बाकी रह गए हैं लेके आना। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट नहीं रहना,
तो हमें पहले इनको इन दोनों के को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिक्स को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं नॉर्मल छोटी क्लासेस की मल्टीप्लाई है कि मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये दोनों सिक्स और वन ऐड हो गए, सेवन हो गए। अब उस साइड चलते हैं हम, तो वन अपॉन सिक्स और के प्लस वन, टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स आ चुका है। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मिडल टर्म ब्रेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे बार बार हमें पूरे मैथ्स के अंदर इससे हमें सामना करना पड़ता है। और इसी की बुनियाद के ऊपर हमने इसकी मिडल टर्म ब्रेक की है, जैसे सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व है। अब ट्वेल्व कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व है, तो यहाँ पे सेवन डालना है बीच में। तो हमने एक को 3x और एक को 4x लिख दिया, और ये हमारी मिडल टर्म ब्रेकिंग है। इसके ऊपर क्लास 10 के लिहाज से हमने फैक्टराइजेशन बनाई है, जिन बच्चों को मिडल टर्म ब्रेकिंग में प्रॉब्लम है वो जाके वो सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर इन दोनों में से हमने की कॉमन लिया, आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट आया, और इन दोनों में से हमने टू कॉमन लिया। दोनों ब्रैकेट सेम आना, आपको पता है कि कहा जाता है कि हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ के प्लस टू बच जाता है। और ये शक्ल आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी इस शक्ल से ये मैच हो गई, जो हमने रफ वर्क में बनाई थी ये शक्ल, के प्लस वन, के प्लस टू हमारे पास ये रहा। आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, टू के प्लस थ्री हमारे पास ये रहा। और इसके बाद हमें फर्दर, जैसे कि हमने कहा है कि हम एक फोर्थ स्टेप के अंदर एक थ्योरी लिखते हैं, उस थ्योरी के लिहाज से हमें इसकी शक्ल को अगर बिल्कुल टॉप का जो हमारा स्टार्टिंग, जहां हम एन को के प्लस वन रखते हैं, वो वाला स्टेप हमें बना देना होता है। और इसको बनाने के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप की एक फिक्स थ्योरी होती है, जिसे हमें लिखना होता है। और याद रखेंगे, अगर वो ना लिखें तो आपका एक आध नंबर वहां पे भी कट सकता है। तो इस पूरे क्वेश्चन के बाद आपसे हम इजाजत चाहेंगे, सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।